मान लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में हिंसा के बारे में कहीं नहीं लिखा है, हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को मारना चाहिए, कहीं नहीं लिखा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। हिंदू धर्म में सबसे जरूरी चीज गुरु होता है, गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे जरूरी होता है, सही बात। नरेंद्र मोदी जी के गुरु कौन है? अडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु है। अडवाणी जी की हालत देखी आपने? अडवाणी जी को स्टेज से लात मार के मना लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म की बात करते हैं, पैसा चोरी करने वाले अंबानी को दे देते, मुझे लोग होते मन्ना लाल में दे दूंगा, मन्ना लाल नहीं मिल सकता, 3,60,000 रुपए मिल जाएगा। तो सरकारी सुनिए, यहां से सुनिए, जो हम कहते हैं कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, फालतू बातें यहां से नहीं होंगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, विचारधारा की लड़ाई है, एक साथ मिलकर बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी को हराना है, पूरा भरोसा आप पर, भारत की 5 सीटें यहां उत्तराखंड में जितानी है। हमारे कैंडिडेट है अमरीश कुमार जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, खंडूरी जी, समर्थन कीजिए, पूरा लगाइए, इनको जगाइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी के नेतृत्व में भाई आदित्य शर्मा जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ आए, भाई राजेंद्र कुमार भाड़ी जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ आए, और भाई दीप शर्मा जी ऋषिकेश से अपने साथियों के साथ आए। मैं सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ जिनकी गहराइयों से, और पांच करोड़ परिवारों के घर में, 25 करोड़ लोगों के घर में हर महीने खटास से पैसा आएगा, साल के 72,000 रुपए, 5 साल में 3,60,000। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे पैसा निकाला, मार्केट से पैसा निकाला, अर्थव्यवस्था से पैसा निकाला, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों ने माल खरीदना बंद किया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी चालू हो गई, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात, सच्चाई, हर 24 घंटे हिंदुस्तान में 27,000 युवाओं को रोजगार से निकाला जाता है, उनका रोजगार था, 27,000 युवाओं से रोजगार छीना जाता है। ये नरेंद्र मोदी आपको नहीं कहते, क्या आप भाषण में 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, किसानों के कर्जा मार के बात कर रहे हैं ना? अब दूसरी बात चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी की बात, देशभक्ति की बात, वो आदमी जिसने एयरफोर्स से 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अभी मानी बैठिए, वो देशभक्ति की बात करेगा? सीबीआई डायरेक्टर करता नहीं, भाई घर को उसको परे करता है, निकालता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है सीबीआई डायरेक्टर को वापस लाओ, नरेंद्र मोदी कहता नहीं मैं नहीं लाऊंगा, वापस आ जाएगा, इंक्वायरी होगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाता, मैं नहीं लाता वापस। फ्रांस का राष्ट्रपति लिखता है, नरेंद्र मोदी ने मुझे बोला अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, एयरटेल को नहीं मिल सकता, सरकारी कंपनी को नहीं मिल सकता, 5,26,00,000
विग्रह में खरीदना चाहता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज बनाया, ये एक ने बनाया, यहाँ भी एशिया को मार कर दिया है, वहां एशिया से दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है, यहाँ से रोजगार जीता जाता है और अनिल अंबानी को पैसा दिया जाता है। अच्छा देखिए, आपने अंबानी का चौकीदार के बाद मैं सवाल पूछता हूं, आपने कभी किसी गरीब व्यक्ति के घर के सामने चौकीदार देखा है? आपने कभी किसी गरीब किसान के घर के सामने, बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार देखा है? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार? भाई और बहनों, चौकीदार सिर्फ अमीर लोगों के घर के सामने दिखाई देता है, और यही चौकीदार अमीरों की चौकीदारी कर रहा है। चुनाव के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मैं वहां गया, मैंने साफ बोला, देखिए जैसे मैंने यहां बोला, यहां मैंने 72,000 की बात की, वहां मैंने कहा देखिए कुछ भी हो जाए, चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ होगा। आसान हो जाए, कोई भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसान का कर्जा माफ 10 दिन के अंदर हो जाएगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मैंने बोला, कर्नाटक में बोला, भाइयों बहनों, चुनाव जीतने के बाद 10 दिन नहीं लगे, गहलोत जी ने, कमलनाथ ने, बघेल जी ने 2 दिन के अंदर करोड़ों किसानों का कर्जा माफ कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पूछा था पैसा कहां से आएगा, मैंने दिखा दिया, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ देखो, इंटरनेट के आगे अनिल अंबानी का घर देखो, पता लग जाएगा पैसा कितना है हिंदुस्तान में। दो हिंदुस्तान चाहते हैं, एक में आप दिन भर काम करो, खेत में काम करो, दुकानों में काम करो, दिन भर रोजगार ढूंढो, ढूंढने में भटको आगे पीछे, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी चमकते हुए सूट में नरेंद्र मोदी के साथ गले मिले, फोटो ले, ये हिंदुस्तान है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात की, मैं आज से झूठ नहीं बोलता हूं, मैं 15 लाख नहीं बोलूंगा, मैं 3,60,000 रुपए बोलूंगा, सच्चाई है, मैं आपको 2 करोड़ नहीं बोलूंगा, मगर मैं आपको एक बात बता सकता हूं, एक बात मैं आपको बता सकता हूं, हिंदुस्तान में 22 लाख, फिर से सुनिए, 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, एक साल के अंदर उन 22 लाख नौकरियों को कांग्रेस पार्टी भर देगी। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि हिंदुस्तान की पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, ये काम कांग्रेस पार्टी करके दिखा देगी। मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि आज जब युवा बिजनेस खोलना चाहता है, बिजनेस खोलना चाहता है तो उसे एक के बाद एक सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, या परमिशन दो मुझे बिजनेस खोलना चाहता हूं, परमिशन लो, एक के बाद एक परमिशन लो, एक के बाद एक परमिशन लो, परमिशन लेते वक्त हर डिपार्टमेंट में रिश्वत दो। मैं आपको ये बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है, उत्तराखंड का कोई नहीं युवा, बाकी प्रदेशों का कोई नहीं युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, 3 साल के लिए आपको कोई किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, खत्म खत्म कहानी, कोई ईश्वर लेने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, आप युवा हो, हम आपको रोजगार देने का मौका देना चाहते हैं, जाओ जो भी बिजनेस खोलना है खोलो, और जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलवाएगा बैंक लोन उसे मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनिल अंबानी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? नीरव मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? किसी को नहीं। अनिल अंबानी तो जेल में जाने से बचा है, उसको उसके भाई ने जेल में जाने से बचाया,
प्रदेश को फायदा होता, मगर नहीं, आपका नाम अनिल अंबानी नहीं है, आपका नाम मेहुल चौकसी नहीं है, नीरव मोदी नहीं है, इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। हर भाषण में नरेंद्र मोदी किसान की बात करते हैं, कर्जा माफ करूंगा, सही दाम दिलवाऊंगा। यहां में आपकी खरीद हुई है, सही दाम मिल रहा है, 520 करोड़ रुपए गन्ने के किसान को देने हैं, मिल गया, मिल गया। अगर प्रधानमंत्री को भाषण दिया था, बोला था उन्होंने करूंगा, किसानों के लिए दो बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं, हमने मैनिफेस्टो में लिखी है, पहली बार रेलवे बजट बनता था, नेशनल बजट बनता था, दो बजट होते थे, पूरी दुनिया को पता लगता था कि रेलवे में कहां कितना पैसा सरकार डाल रही है, किस लाइन में डाल रही है, ट्रेनें कहां बन रही है, पैसा कितना सरकार डालेगी, दूध का दूध पानी का पानी। आज किसान को यह तक नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की सरकार उसके लिए क्या करेगी, कितना पैसा किसानों को देगी, एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, बीमा का कितना पैसा मिलेगा, कर्जा माफ होगा हाँ या ना, कुछ नहीं पता लगता आपको। तो हम किसानों के लिए हर साल एक स्पेशल बजट बनाएंगे, सीधा आपको पता लग जाएगा, नेशनल बजट होगा और उसके साथ साथ किसान का बजट होगा, हिंदुस्तान के हर किसान को पता लग जाएगा इस साल हमें कितना पैसा दिया जाएगा, इस साल हमारा इतना कर्जा माफ किया जा सकता है, इस साल हमारी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। अब हम दूसरी तरफ नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है, उसको जेल नहीं होती, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, इनको जेल नहीं होती, मगर किसान कर्जा लेता है और पैसा वापस नहीं दे पाता, एक तो मानकरियां लग जाती, एक और मानकरियां लग जाती, दो मिनट के अंदर पकड़ के जेल लगा देते। मैं जानता हूं कि किसानों के दिल में डर है, मैं इस डर को मिटाना चाहता हूं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है किसान कर्जा लेगा, अगर किसान कर्जा वापस नहीं दे पा रहा है तो उसकी जेल नहीं होगी। तो किसान भी जेल नहीं जाएंगे, तो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हमने नया योजना ली, नोट बंदी और रबर सिंह टैक्स से आपने नुकसान किया, नोट बंदी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपसे सह लिया, दुख की बात है, मगर उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, चोट लग गई, मगर सिंह टैक्स को कांग्रेस पार्टी बदल दे। आज पांच टैक्स है, 28% टैक्स है, हर महीने फॉर्म भरना पड़ता है, 2019 में एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, कम से कम फॉर्म भरने पड़ेंगे, साधारण टैक्स होगा, छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को एक बार फिर शांति मिलेगी, और जब हम न्याय योजना का पैसा आपको देंगे, आप चीजें खरीदोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा,
और जो अर्थव्यवस्था नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स ने खत्म की है, नष्ट की है, वो एक बार फिर चालू हो जाएगी। आम चीजें खरीदोगे, फैक्ट्रियां चालू होगी और आपके बच्चों को उन्हीं फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर चालू हो जाएगी, जब स्टार्ट हो जाएगी। जैसे गाड़ी में चाबी घुमा के इंजन स्टार्ट होता है, वैसे न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जब स्टार्ट करके चालू कर देगी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। हमारे यहां दलित और आदिवासी भाई हैं, आपका भी बहुत बैकलॉग है, लाखों जगह सरकारी रोजगार खाली है, वो आपको मिलना चाहिए। मैं आपको स्टेट से आश्वासन देता हूं 2019 में आपका बैकलॉग हम भर देंगे। जहां भी आते नरेंद्र मोदी दर्शन दिलाते हैं, बुराई करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के खिलाफ, तमिलनाडु में कुछ बोलेंगे, महाराष्ट्र में कुछ बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ बोलेंगे, लोगों की बुराई करेंगे। हिंदुस्तान में आज घर है, लोगों के बेटों को मारा जाता है, कुछ छोड़ा जाता है, आदिवासियों को, नरेंद्रों को, अल्पसंख्यकों को मारा जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, इससे किसी का फायदा नहीं। ये देश सबका है और इस देश में सबको प्यार से जीने का हक है, सबको जगह मिलनी चाहिए। ये व्यापार की कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में हम सबको जोड़कर आगे चलना चाहते हैं, सबके लिए जगह है इस देश में। प्यार और भाईचारे का देश है, नफरत का देश नहीं है।